सड़कें वीरान, खाली है बाजार, कोरोना के कहर से घबराता इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत पवार। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। अभी आपको सबको पता है कोरोना से पूरी जिंदगी सब लोगों की खराब हो गई है। पूरी दुनिया आज की डेट में परेशान है। इसी इशू पे आज हम बात करेंगे यादव जी से। यादव जी हमारे साथ है, अपने सपने एनजीओ के साथ ये काम करते हैं। नमस्कार यादव जी, स्वागत है आपका। तो यादव जी, आप थोड़ा बताइए आपका एनजीओ क्या काम करता है, कैसे लोगों की हेल्प कर रहा है? जी एक्चुअली क्या है, अपने सपने एनजीओ बच्चों के बेसिकली रूप से बच्चों के एजुकेशन पे वर्क करता है। जो बच्चे कूड़े बनते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते हैं, उन बच्चों के शिक्षा को लेकर के इस समय लॉकडाउन के समय में जो है बहुत से ऐसे जिनको राशन की दिक्कत होती थी या किसी और चीज़ों की, तो अपने सपने संस्था शुरू से लॉकडाउन के समय से लेकर के अब तक जो है उनकी मदद करते आ रहे हैं, जिसमें मजदूर हैं या फिर जो बहुत से ऐसे परिवार भी रहा जो कि मध्यम वर्ग हैं, लेकिन संकोच वर्ष में नहीं बोलते, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हुई थी, तो उनको भी मदद किया गया। और साथ ही साथ राशन ही नहीं, इसके अलावा जो है अपने सपने संस्था जो उन बच्चों के लिए जो बच्चे कापियाँ नहीं ले सकते थे नए सेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उनको कापियाँ किताबें ये सब भी चीज़ें दी गई, जिससे वो अपना पढ़ाई से। हम लोग ने अभियान चलाया कि जो जिन ऐसे रोड पे बेचारे जो कड़क धूप में जाते जिनके पास चप्पल नहीं है, तो उनको चप्पल देने का भी हम लोग ने एक अभियान चलाया दर्गछानों के नाम से। तो कहीं ना कहीं राशन को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और कहीं ना कहीं उनके बहुत से ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो गरीब है, जो रोड पे बिना चप्पलों से जाते थे, उनके लिए हमने चप्पलों की भी व्यवस्था की, जिससे कि वो आगे अपने जीवन को अच्छे से कर सके। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जैसे यादव जी अपना एनजीओ चलाते हैं, मोस्टली जो एनजीओ करते हैं गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, बट इनके एनजीओ ने एक ऐसी हेल्प भी करी है। बहुत सारे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास में होते हैं, कई जगह काम करते हैं, उनके पास भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, उन लोगों की भी इन्होंने हेल्प करा। वो लोग होते हैं जो समझिए अगर कहीं पे राशन बट रहा है वहाँ पे जाके भी नहीं जाके लाइन में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि शर्म आती है, आपको पता है इंडिया में शर्म सबको मार देती है। तो इन्होंने इस टाइप के लोगों की बहुत हेल्प करी है, जो ये बहुत ही एक अच्छा बोल सकते हो बहुत अच्छा कदम है।